और वाराणसी में केंद्रीय पशुपालन डेयरी व मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद द्वारा रिवर रैचिंग की गई। इस अवसर पर 1,00,000 चिताला मछली के बच्चों को गंगा नदी में छोड़ा गया। इस अवसर पर मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश 60,000 करोड़ रूपये का सी फूड एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछली सरकारों ने मछुआरों के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। पिछले 70 सालों में इस पर 3,000 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे, जबकि भाजपा सरकार के 9 वर्ष में ही 38,000 करोड़ रूपये इसके विकास के लिए खर्च किए गए हैं। मोदी जी की नीति है, मोदी जी की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का, उनके पुरोधाओं का चिंतन है कि अंतिम छोर पर खड़े आदमी को खड़ा करना है, लोकतंत्र में श्रद्धा रखना है। उसका अमल मोदी जी के द्वारा हो रहा है, तो गरीबों के कार्यक्रम चल रहे हैं।